हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिहिर रावत टू रिप्रेजेंट ए मॉडल ऑफ हाइड्रोलिक मिसाइल लॉन्चर। यह जो मॉडल है यह हिस्टोरिकल डेवलपमेंट विद करंट इनोवेशन के क्षेत्र में आता है। इस मॉडल के अंदर आप देखते हैं कि जो मिसाइल लॉन्चर होते हैं, जो ट्रक और हैवी व्हीकल्स पर रखे होते हैं, तो उनके साथ जो समस्या होती है उनको समाधान के लिए इस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत के नॉर्दर्न इलाके हैं और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हैं वो सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, घाटियों के इलाके हैं, तो उन क्षेत्रों पर इस प्रकार के मिसाइल लॉन्चर ले जाना लगभग नामुमकिन है। तो उसी समस्या का समाधान के लिए इस मॉडल को डिज़ाइन किया गया। यह मॉडल कॉस्ट इफेक्टिव है, उसी के साथ ये लाइट वेट है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर एक पिक्चर देखी जो पिनाका की है, जो DRDO ने डेवलप किया, इसकी कीमत 430 करोड़ रुपये। उसी के साथ इंडिया रशिया से एक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है जिसकी कीमत 2400 करोड़ रुपये, जो कि लगभग बहुत बड़ी कीमत है। अगर इतना पैसा बाहर फ्लो होता है तो इंडियन इकोनॉमी को एक स्टेप बैक लगता है। तो उस पैसों को रोकते हुए अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट इंडिया का हो सकता है। आइए हम इसकी वर्किंग थ्योरी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ किया है, जो इसके अंदर मैं टारगेट सेटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जिससे टारगेट सेट करने में आसानी रहती है। दूसरा इसके अंदर कंसेप्ट है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपके घर के लाइटर में होता है वही सेम है, जिसके कारण एक आग की चिंगारी जनरेट होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैकेनिकल एनर्जी एक पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पर पड़ती है, या फिर हम कहें कि हैमर द्वारा उस पर एक एनर्जी क्रिएट की जाती है, तो उससे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। वही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट का रूप रहता है। तो वही मैंने वायर्स के थ्रू यहाँ जोड़ते हुए इस नोजल के अंदर वो करंट यहाँ तक पहुँचाई है, जिससे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की वजह से आग की चिंगारी जनरेट होगी। और दूसरी तरफ मैं एक मिसाइल के तौर पर सिरिंज यूज़ कर रहा हूँ और उसमें बारूद की जगह एथेनॉल डाल रहा हूँ। एथेनॉल एक आग प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसके अंदर अगर आप चिंगारी आग की प्रोवाइड करते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है। जलना शुरू होने के साथ साथ उसके अंदर हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जनरेट होती है। हीट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड करती है, जिस वजह से उस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है पीछे की ओर। और न्यूटन का तीसरा नियम हमें बताता है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर रिवर्स फोर्स पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस पर एक बैक फोर्स अप्लाई होगा, जिस वजह से इसको आगे फायर करेगा, जैसा कि आप अभी डेमो में देखेंगे। जैसा कि अभी आपने इसमें डेमो में देखा कि ये किस प्रकार फायर हुआ। इस प्रकार के जो मिसाइल लॉन्चर होते हैं उनमें एक पूरा इंजन सेटअप करने की आवश्यकता होती है, जबकि इस मिसाइल लॉन्चर में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसे हम डायरेक्ट एथेनॉल यूज़ करेंगे और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से मैंने इसमें फायरिंग किया। थैंक यू।